ये चक्कर भाई, यहाँ पे बैठ के और ये सामने नजारा होना भाई, तो यार बात ही अलग होती है। ओ भाई साहब ये चक्कर क्या मस्त भी है। हेलो फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल। सो गाइस अभी का जो मेरा व्लॉग है वो भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पहलगाम का जो बस स्टैंड है ना वहाँ से, जहाँ पे हमने स्टे करा हुआ था ना वो भाई यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है। लेकिन भाई मैं यहाँ पे पिछली बार भी आया था, इसलिए मेरे को लगा कि यार यहाँ पे जाना तो बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यू है ना भाई वो बहुत सही है। तो हम लोग वहाँ से अभी 1 किलोमीटर चल के यहाँ तक आए हैं पुराने वाले बस स्टैंड पे। यहाँ पे एक पार्क भी है सामने और भी अच्छा खासा व्यू है, और जो आपको हेलीकॉप्टर मिलेगा ना वो भी यहीं से मिलेगा, वो जा रहा है इस वक्त अभी। तो गाइस अभी करवाता हूँ भाई आपको यहाँ का व्यू चेक। तो ये चेक करो भाई, जब मैं पिछली बार आया था ना तो यार काफ़ी ज़्यादा फोटो खिंचवाए थे यहाँ पे, और एक यहाँ से शॉट लिया था इतना ज़बरदस्त आया था ना, बहुत ही बढ़िया। और यार पार्क मिस कर दिया था मैंने पिछली बार, तो अभी मैं वहीं पर जा रहा हूँ, पार्क में चलते हैं। ओ भाई साहब ये चेक करो क्या मस्त व्यू है। तो गाइस अभी भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पार्क के पास। रमन भाई चलो फिर अंदर, चलो भाई चलो। इसकी यार मेरे को लग रहा है इसकी टिकट है भाई इसकी। गाइस सॉरी यार मैं पार्क के अंदर नहीं जाऊंगा भाई। ये देखो ये पार्क है, ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे देखने वाला भाई, लेकिन फिर भी टिकट रखी हुई है वो भी 20-20 रुपये। यार छोड़ो इस चीज़ के लिए, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, ब्यूटी पूरी है बट इतनी सी है। तो ये यहाँ से ही देख लेंगे हम, जहाँ तो होता ना ज़्यादा बड़ा होता तो फिर हम लोग चलते, बट अभी हम वहाँ से चलते हैं उस साइड और ये वाले झरने देखते हैं भाई, ये वाला जो पानी आ रहा ना। गाइस ये चेक करो भाई, ये फोन में पता नहीं आपको कैसा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी मौसम भाई ऐसे हो रखा है, बादल से हो रखा है, तो ऐसे भी थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन भाई ऐसे आप अगर यहाँ आके देखते हो ना तो मतलब नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। रमन भाई तो फिर बता यार तेरे को यहाँ पे आके कैसा लग रहा है, मतलब तू तो फर्स्ट टाइम आया ना। मैं तो फर्स्ट टाइम आया भाई, मैं तो जन्नत में आ गया हूँ भाई यार। भाई यार मतलब नेक्स्ट लेवल, मैं तो पहले आ चुका हूँ, मेरे को तो भाई पूरा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो बंदा मतलब फर्स्ट टाइम आए ना भाई उसके लिए तो ये मतलब स्वर्ग है एकदम से। तो मजा आ गया ना वैसे तेरे को? मजा आ गया भाई यार। अभी हम लोग भाई दोबारा से जा रहे हैं उधर जहाँ से हम पहले वीडियो शूट कर रहे थे ना, मतलब अपने बेस कैंप पे जहाँ पे हमने अपना रूम लिया हुआ है, तो वहीं पे चलते हैं फिलहाल। तो भाई वहाँ तक जाने का जो रास्ता है ना वो दिखाता है भाई कितना ज़बरदस्त है। और हमको भाई सुबह निकलना भी है, सुबह हमको गाड़ी मिलेगी यहाँ से 3 या 4 बजे गाड़ी मिल जाएगी चंदनवाड़ी के लिए। तो रात में हम लोग रेस्ट कर लेंगे, तो सुबह भाई 2-3 बजे उठ के फिर देखें जो भी हमारी गाड़ी होगी तो उसमें फिर हम लोग चले जाएंगे। तो अभी हमने अपने बैग भी ना क्लॉक रूम में जमा करवा लिए हुए हैं, वैसे उसकी भी टिकट थी बट हमने सोचा कि यार हमने घूमना है बाहर, तो फिर इसलिए हमने अपने बैग भी जमा करवा दिए। तो अभी हम भाई आराम से घूम रहे हैं। बस स्टैंड दिखा दूँ यार, यहाँ से देख वो है बस स्टैंड भाई, ये व्यू चेक करो भाई यार कसम से दिल खुश हो जाता है यहाँ पे। गैस वहाँ पे ना सामने पहाड़ पे बर्फ पड़ रखी है, जैसे जैसे हम लोग कल चढ़ाई करेंगे ना यार, अभी तो यहाँ पे ठंड कम है, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे था 25 के करीब, लेकिन रात को भाई ज़्यादा हो जाएगा, अब देखते कितना जाता है, अभी तो हमको भी नहीं पता इतना ज़्यादा, बट मैं बता रहा हूँ कि जब हम लोग ऊपर चढ़ाई चढ़ेंगे ना तो भाई वहाँ पे जो ठंड होगी ना यार नेक्स्ट लेवल होगी। यहाँ पे तो मैंने हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ मैं। और बात करें भाई इस वक्त यात्रियों की, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, मतलब पहले जो 30 तक ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, चला नहीं जाता था, तो लेकिन अब ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा कम है। तो गाइस अभी हम लोग भाई वहाँ से होके आ चुके हैं, क्योंकि टाइम भी भाई 7 बजने वाले हैं, तो भाई वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे हम पहले बैठे थे ना, तो वहीं पे चलते हैं। तो उसके बाद फिर जब मन करेगा 10 बजे से पहले हम लोग अपने बेस कैंप में चले जाएंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल वहाँ पे बैठते हैं भाई, जहाँ पे लिखा हुआ ना बोर्ड पे पहलगाम, वहाँ पे बैठते हैं भाई। सिक्योरिटी यार बाकी तो एक चीज़ छोड़ो, सिक्योरिटी भाई एक नंबर, मतलब 10-10 मीटर पे इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना, हाई सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा। मैं अभी थोड़ी थोड़ी मेरे को ठंड भी लगना स्टार्ट हो गई है सही बताऊँ तो। तो गाइस अभी भाई हम लोग फुल मस्ती करने के बाद भाई हम लोग पहुंच चुके हैं इस बोर्ड के पास जहाँ पे लिखा हुआ है पहलगाम। तो भाई अभी यहाँ पे चलते हैं, यार साइड वाला व्यू तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा मस्त है, तो वहाँ पे चलते हैं अभी आगे, वहाँ जाके ही बताता हूँ अभी आपको सीधा। तो भाई अभी फाइनली पहुँच चुके हैं, ये वो बोर्ड पहलगाम वाला जिसके ऊपर लिखा हुआ है, तो अभी इस साइड से चलते हैं यार, यहाँ पे खड़े होके ना इन्जॉय करते हैं थोड़ा सा। रमन भाई आजा, इधर हमारे लिए चेयर लगाई हुई है।
भाई यहाँ पे बैठ के ना मस्त ऐसे ऐसे ऐसे, ओ यार टूटी हुई है, गिरी है, यहाँ पे बैठ के ऐसे मतलब क्या ही फील आ रही है, मतलब क्या बताऊँ यार, ऐसे खुद देखो यार भाई ये चक्कर, भाई यहाँ पे बैठ के और ये सामने नज़ारा होना भाई तो यार बात ही अलग होती है ऐसे बैठ के। वैसे अभी यार ठंड लगना स्टार्ट हो गई है, मैंने और टी शर्ट पहन के रखी है, अभी अंदर जाके वो दूसरी मेरे को जैकेट पहननी पड़ेगी, देखते हैं अगर जैकेट की ज़रूरत हुई तो नहीं तो वो पहनने भैया शर्ट पहनूंगा। बट यार अभी का जो यहाँ पे बैठ के नज़ारा आ रहा है ना यार नेक्स्ट लेवल, आपको तो पता है हमारे लिए ये चीज़ ना बहुत ही मतलब सही चीज़ है, तो अभी आपको बताते हैं। तो गाइस अभी हम लोग भाई निकल चुके हैं अपने बेस कैंप की ओर, क्योंकि यार अंधेरा हो रहा है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि भाई अभी निकलते हैं अपने बेस कैंप की तरफ, तो भाई वहाँ पे चलते हैं और खाना पीना भी करते हैं, लंगर वगैरह खाते हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट प्लान जो भी है। तो गाइस अभी हम लोग भाई आ चुके हैं अपने बेस कैंप में, इस साइड भाई लंगर लगे हुए हैं और इस साइड है हमारा क्लॉक रूम जहाँ पे हमने अपने बैग रखे हुए हैं, थोड़ी देर बाद लेंगे खाना पीना करने के बाद। तो भाई इस साइड भी थोड़ी बहुत मार्केट है, तो यहाँ पे तो लंगर लगे हुए हैं और इस साइड है थोड़ी बहुत मार्केट, तो बाद में लेंगे हम, ठीक है रमन भाई, हाँ बाद में लेंगे अपने बैग, तो पहले भाई भंडारे से कुछ खा पी लेंगे, मतलब फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। गाइस अभी हम लोग भाई आए हैं भंडारा खाने, लेकिन ये चेक करो भाई इतना सही कॉम्बिनेशन है ना, खीर है, मतलब ये है पापड़ है, मैगी है, राजमा चावल ही, और ये मैंगो का मैंगो शेक है शायद, मतलब इतना सही है ना यार, ये खाते हैं अभी। गाइस अभी खाना पीना करने के बाद भाई क्लॉक रूम से हमने ले लिया अपने बैग, तो अभी चलते हैं हम लोग अपने टेंट में। तो गाइस इस वक्त भाई हम लोग आ चुके हैं अपने टेंट में, टाइम हो रहा है भाई 9 बजने वाले हैं, तो अब हमने वहां से भी बंद कर दिया, वहां से भी कर दिया। अरमन भाई हाँ भाई अभी ठंड हो गई है तो रजाई में ले लिया भाई, रजाई में ले लिया, बोलन जाए टेंट, जय भोलेनाथ। तो यार अभी भाई अभी कितने बजे उठना है सुबह, फिर 3 बजे का अलार्म लगाते हैं, 3 बजे का, फिर 4 बजे निकल जाएंगे नहाएंगे, ऊपर जाके नहा लेंगे, मतलब मुंह धो के रेडी होके यहाँ से निकल जाएंगे, तो फिर देखेंगे नेक्स्ट अपना, ठीक है ना, ठीक है रमन भाई, हाँ ठीक है। फोन चार्जर कर लेते हैं फिलहाल अपने, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट व्लॉग में बाय।